दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है आशीष कुमार। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके अग्निशमन विभाग में निकली फायरमैनों की भर्ती के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये यूपी में भर्ती निकली है। ठीक है, तो इसका नोटिफिकेशन है वो आपका 29 नवम्बर को आया है। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें कितने पद किस तरीके से है और कितने पद किस कैटेगरी के लिए है और इसका शुल्क कितना है और शैक्षिक योग्यता क्या है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले इसमें जो हमारे लिए जनरल के लिए जो पद दिए हैं वो हैं आपके 841 पद। ठीक है, आपका ओबीसी के लिए जो पद हैं वो हैं आपके 453 पद। ठीक है, और एससी के लिए जो पद हैं वो हैं आपके 352 पद और एसटी के लिए जो पद हैं वो हैं आपके 33 पद। तो टोटल कितने हो गए आपके 1679 पद आपके इसमें हैं और टोटल इसी को भर्ती होनी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आवेदन होने की जो प्रारंभिक तिथि है वो है आपकी 8 दिसंबर। ठीक है, 8 दिसंबर से ये आपके रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, इसकी लास्ट डेट जो है वो है आपका 28 दिसंबर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होने की जो लास्ट डेट है वो है 28 दिसंबर और शुल्क जो इसका जो कट सकता है लास्ट डेट है उसकी 31 दिसंबर। कहने का मतलब ये प्रोसेस जो है वो 8 से लेकर 31 दिसंबर तक पूरी चलेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, आप देख लेते हैं इसके लिए शुल्क कितना है। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए जनरल, ओबीसी या एसटी या एससी के लिए सभी के लिए शुल्क है वो समान है। टोटल कितना है 400 रुपए। ठीक है, तो 400 रुपए हर किसी को इसमें आपको शुल्क देना होगा। ठीक है, उसके बाद आपका फॉर्म जो है ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, अब ऑनलाइन कैसे, अब शुल्क कैसे कटेगा, तो दोस्तों इसे आप ऑनलाइन भी काट सकते हैं, मतलब डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से इंटरनेट बैंकिंग द्वारा आप शुल्क काट सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन भी इसे ई चालान के द्वारा फॉर्म को मतलब अपने बैलेंस को काट सकते हैं। ठीक है, मतलब आप ऑनलाइन भी इस पे अपना फीस को पे कर सकते हैं और ऑफलाइन भी इसे फीस को पे कर सकते हैं। तो ई चालान द्वारा जो डेट है वो 31 दिसंबर है। ठीक है, तो और आप देख लेते हैं आगे इसकी शैक्षिक योग्यता। जो सबसे बड़ी बात इसमें जो शैक्षिक योग्यता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए जो न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन जो मांगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन है वो है आपकी 12th। ठीक है, अगर आप इंटर किए हुए हैं तो आप इसमें आसानी से फॉर्म डाल सकते हैं और इसमें कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है, आप अगर इंटर किए हुए हैं तो आप इसमें आसानी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और जॉब भी ले सकते हैं। ठीक है, केवल इंटर मांगा है आप किसी भी बोर्ड से। ठीक है, किसी भी बोर्ड से हो आप इंटर अगर किए हुए हैं तो आप इसमें आसानी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद करते हैं आयु के बारे में। ठीक है, तो इसमें केवल आपकी मेल भर्ती ही है तो मेल के लिए दे रखा है कि इसमें जो आयु होनी चाहिए मिनिमम वो 18 से लेके 22 वर्ष तक होनी चाहिए। ठीक है, 18 से 22 वर्ष, कहने का मतलब आपका जो जन्म है वो 2 जुलाई 1996 से लेके 1 जुलाई 2000 तक होना चाहिए। मतलब इसके बीच में होकर ऊपर नीचे होता है तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हालांकि आपके लिए ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 5 वर्ष की इसमें आरक्षण दे रखा है, मतलब 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें 5 वर्ष का इसमें आरक्षण दे रखा है अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए और ओबीसी के लिए 5 वर्ष का इसमें आरक्षण है। तो इसमें जो उनकी उम्र ज्यादा भी हो रही है अगर 5 वर्ष के अंडर में आते हैं एड करने के बाद तो वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कर लेते हैं इसकी फिजिकल के बारे में। ठीक है, तो ओबीसी के लिए और सामान्य के लिए जो लंबाई है वो 168 सेंटीमीटर है, मतलब जिनकी लंबाई 168 सेंटीमीटर है वो उसमें फॉर्म आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और एसटी और एससी के लिए जो लंबाई है वो 160 सेंटीमीटर। ठीक है, और सीने की बात करें जनरल और ओबीसी के लिए जो सीना है वो आपका 79 नॉर्मल है। ठीक है, और लेकिन फुलाने के बाद 84, मतलब 5 सेंटीमीटर आपको इसमें फुलाना पड़ेगा सीना। उसके बाद आपके लिए बात करें एससी और एसटी के लिए तो उसमें आपको 77 नॉर्मल, ठीक है, और फुलाने के बाद 82, मतलब उन्हें भी मतलब 5 सेंटीमीटर आपको इसमें भी फुलाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें भर्ती किस तरीके से होनी है वो भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका जो है एक रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, तो रिटन एग्जाम होना है वो आपका 300 नंबर का होना है।
ठीक है, प्लस आपकी फिजिकल के जो नंबर है इसमें ऐड होंगे, उसके बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपका इसमें सिलेक्शन, अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं तो आपका सीधे इसमें भर्ती हो जाएगी। ठीक है, लिखित परीक्षा के बारे में भी बता दूं मैं आपको कि लिखित परीक्षा में आपकी जो है 300 अंक की इसमें लिखित परीक्षा होनी है, जिसमें टोटल आपको 150 अंक मतलब 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, तो टोटल हो जाएंगे आपके 300 अंक। ठीक है, इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी ओएमआर शीट वाले, मतलब मल्टीपल टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक विकल्प के 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको एक सही करना है। ठीक है, तो ये आपकी इस तरीके से परीक्षा होनी है। ठीक है, तो आप तैयारी कर रहे होंगे। थोड़ा फोटोग्राफ के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, फोटोग्राफ में क्या मांगा है? ठीक है, फोटोग्राफ पहली बात तो आपके 2 फॉर्मेट में होना चाहिए, एक तो जेपीईजी और एक जेपीजी। ठीक है, और फोटोग्राफ की जो साइज होना चाहिए वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए और कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए, जैसे आप स्कैन करके इसमें डाल सकते हैं। दूसरी बात, फोटोग्राफ जो है वो आपका 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, मतलब नया फोटोग्राफ उसका होना चाहिए। ठीक है, आप सिग्नेचर की बात कर लेते हैं, सिग्नेचर का जो साइज है वो आपका 5 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, उसका फॉर्मेट भी आपका जेपीईजी और जेपीजी में ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप उसमें आसानी से अगर ये फॉर्मेट रखते हो तो आप आसानी से क्या कहते हैं, आप अपना स्कैन किया हुआ फोटो और सिग्नेचर उसमें अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके सिलेबस की। ठीक है, तो सिलेबस में आपका वही सिलेबस है जो आपका यूपी पुलिस में सिलेबस है और आपका अभी जेल बॉर्डर में जो भर्ती निकली हुई है सेम टू सेम वही सिलेबस है इसमें भी। ठीक है, तो सिलेबस को किस तरीके से देख लेते हैं, तो पहला जो टॉपिक है वो आपका सामान्य ज्ञान का है। तो मैं बता दूं आपके टोटल इसमें से आपके 150 क्वेश्चन इसके आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान में आपको क्या क्या है वो देख लेते हैं। पहला है आपका इतिहास, मतलब भारत का इतिहास। ठीक है, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था और वाणिज्य व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत की संस्कृति, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल। ठीक है, तो आपका वही इसमें सब कुछ दे रखा है जो आपके अदर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, सब कुछ वही है इसमें। ठीक है, टोटल है आपका सेकंड इसमें सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में आप देखते हैं क्या क्या है, हिंदी व्याकरण के मौलिक ज्ञान। ठीक है, हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव शब्द, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, लिंग वचन कारक, सर्वनाम, विशेषण। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी वही आपका पूरा सिलेबस है जो आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आप देखते हैं तीसरा पार्ट इसका, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, कहने का न्यूमेरिकल एंड मेंटेन एबिलिटी। तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका संख्यात्मक योग्यता, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो मतलब मैथ्स में पूछा जाएगा, तो मैथ्स में क्या क्या आएगा, आपका नंबर सिस्टम, सरलीकरण मतलब सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, एलसीएम मतलब लासा और मासा दोनों आना है इसमें, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज आना है इसमें, एवरेज, टाइम एंड वर्क, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स। ठीक है, मेंसुरेशन। ठीक है, तो इसमें सब कुछ आपका वही है जो आपका कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट जो है मानसिक योग्यता, मतलब मेंटल एबिलिटी। तो मेंटल एबिलिटी में क्या क्या आना है, आपका तार्किक आरेख, ठीक है, लॉजिकल डायग्राम, रिलेशन इंटरप्रिटेशन, परसेप्शन टेस्ट। ठीक है, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन सेंस टेस्ट, मतलब दिशा का ज्ञान परीक्षण। ठीक है, तो ये तो रहा तीसरा पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट इसके चौथे पार्ट पर। ठीक है, चौथे पार्ट में है आपका, इसमें आपका मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी, मतलब 3 पार्ट है इसमें, 3 पार्ट मिलकर आपका चौथा पार्ट बना है। ठीक है, तो पहला है आपका मानसिक अभिरुचि, मतलब मेंटल एप्टीट्यूड। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, आपका पब्लिक इंटरेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर, कानून संबंधित चीजें इसमें पूछी जाएंगी, कॉम्युनल हार्मोनी, क्राइम कंट्रोल, एबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें आपकी पूछा जाना है तो कानून संबंधित है। उसके बाद आईक्यू पर देख लेते हैं क्या क्या है, रिलेशन एंड एनालॉजी टेस्ट, मतलब संबंध और आंशिक समानता परीक्षण। ठीक है, को चिन्हित करना, ठीक है, मतलब समान चिन्हों को में से जो अलग हो उसे अलग करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ठीक है, ब्लड रिलेशन। ठीक है, और डायग्राम, चार्ट टाइप, पेन आरिक वगैरह इसमें पूछे जाने हैं। नेक्स्ट है आपका रीजनिंग एबिलिटी, तो रीजनिंग में आपका एनालॉजी, समरूपता, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, भिन्नता और खाली स्थान भरना। ठीक है, और इसमें बहुत सी चीजें हैं आपका, पर्यवेक्षण, रिलेशनशिप्स, अवधारणा, अर्थमेटिक रीजनिंग। तो इसमें अच्छी रीजनिंग में भी अच्छी खासी आपके टॉपिक्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था इसका सिलेबस। ठीक है दोस्तों, इसका जो लिंक है आपके नोटिफिकेशन का वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप सिंपली वहां से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और
पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि इसमें केवल 12th क्वालिफिकेशन मांगी है, अदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगी है, तो आप इसे आसानी से इसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रही आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपकी जितनी भी जॉब निकलती है उनके नोटिफिकेशन मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ चैनल पर, और मैथ्स संबंधित और इंजीनियरिंग संबंधित भी यहाँ पर क्लासें मैं चलाता हूँ। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।